नमस्कार, मैं अखिलेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने में लगी हो, लेकिन देश हो या राज्य, बेटियां और महिलाओं पर जुल्म दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री ने जहाँ महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए शक्ति कायदा लाकर अपनी पीठ तो थपथपा ली, किंतु उन्हीं के शहर में पिछले 5 माह से गायब लड़की को पुलिस ढूंढने में नाकामयाब नजर आती दिखाई दी। आखिरकार मीडिया में खबर दिखाए जाने से पुलिस तंत्र ने लड़की को ढूंढने में तेजी लाई, जिसका असर गुरुवार सुबह तड़के 3 बजे लड़की को ढूंढ पुलिस ने अपनी साख बचा ली। 5 माह पूर्व MIDC थाना अंतर्गत इंदिरा माता नगर में अपराधी प्रवृत्ति वाले आकाश उर्फ बाके सहारे ने हथियार के बल पर एक नाबालिग किशोरी का अपहरण का मामला प्रकाश में आया था। उल्लेखनीय है कि इंदिरा माता नगर में फरियादी चंपा साहू पिछले 2 वर्षों से फुटपाथ पर फल फ्रूट की दुकान लगाती है। चंपा के पति ने उन्हें छोड़ दिया है। वे अपने 2 लड़के जिसमें से एक जन्मजात दृष्टिहीन है तथा अपनी बेटी मनीषा 16 वर्ष के साथ रहकर फल फ्रूट की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करती है। परिसर में ही बाका नामक 22 वर्षीय अपराधी प्रवृत्ति का गुंडा रहता है। वो कई बार चंपा तथा उसकी बेटी मनीषा को डरा धमका कर अपनी रंगदारी दिखाता था। 6 जून को चंपा की नाबालिग लड़की मनीषा फल फ्रूट की दुकान पर बैठी थी, साथ में माँ भी थी। उसी दौरान आरोपी आकाश आकर चंपा के पेट पर चाकू लगाकर उसे डरा धमकाया, उसके साथ गाली गलौज कर दुकान पर बैठी लड़की मनीषा का अपहरण कर अपने साथ ले गया। उसके बाद माँ तथा परिजनों के द्वारा खोजबीन करने के बावजूद मनीषा का कहीं पता नहीं चला। तब फिरियादी मां चंपा शाहू आकाश के खिलाफ MIDC थाने में अपहरण की एक FIR दर्ज करवाई, किंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी मनीषा का अब तक पता नहीं चला। चंपा शाहू के अनुसार पुलिस वालों का रवैया हमेशा से ही अड़ियल रहा है। मेरे साथ में यही घटना घटी कि मेरी लड़की, मतलब दुकान पे मैं भी रहती हूँ और मेरी लड़की कभी कभी दुकान पे आती है, और एक लड़का बदमाश है, आकाश नाम का बदमाश लड़का है। वो लड़का अचानक आया, अचानक आके मेरे को चाकू निकाला, चाकू निकाल के मेरे को डायरेक्ट बोला मैं तेरी लड़की को भगा के लेके जाता, तेरी लड़की के साथ शादी करता, ऐसी करके तुरंत ही मेरी लड़की का हाथ पकड़ के लेके भग गया। आपने इसकी पुलिस में शिकायत करवाई? हाँ, पुलिस में मैं शिकायत करवाई। मेरे लड़की के भागने के बाद 11 बजे रात को जाके मैंने शिकायत करवाई तो पुलिस वालों ने कंप्लेन भी लिखे। कंप्लेन लिखने के बाद दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, चौथे दिन गई, पांचवे दिन तो पुलिस वालों ने मेरे को बोले कि तुम अभी जाओ बोले। ठीक है, जैसा पता चलता वैसा हम बताएंगे, ये बोले मेरे को पुलिस वाले ने। फिर मैं पुलिस वाले लोग के पास में गई, फिर मेरा बिजनेस है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरे 4 परिवार है खाने वाले। जब पीड़ित परिवार इसके संबंध में MIDC पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करती है तो उनका कहना है कि आप बताओ लड़की कहाँ है, हम ढूंढ लेंगे, आरोपी के पास मोबाइल ना होने के कारण हम उसे ढूंढने में तकलीफ हो रही है। इस तरह के बहानेबाजी पुलिस द्वारा की जाती रही। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की बूटी बोरी में होने की संभावना जताई, पर पुलिस हमेशा की तरह टालमटोल करती रही। पिछले 3 माह से केसरी उजाला न्यूज़ की टीम ने लगातार इस केस पर अपनी नज़र बनाए रखी थी। लगातार जांच अधिकारी रमेश हत्ती गोटे से पूछताछ करती रही, जिसका असर गुरुवार सुबह तड़के 3 बजे दिखाई दिया। मीडिया में खबर आते ही पुलिस अपने काम में तेजी ला अगवा लड़की को आज ढूंढ निकाला। आज हमारे साथ है चंपा साहू, जिनकी बेटी पिछले 5 महीनों से गायब थी। कई बार पुलिस को तकरार करने के बावजूद पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। मीडिया द्वारा खबर चलाए जाने पर आज उनकी बेटी सिर्फ 5 घंटे में ही मिल चुकी है। आइए सीधे बात करते हैं चंपा साहू से और जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से उनके कैसे दिन गुजरे अपने बेटी के बगैर। आज फाइनली आपकी बेटी मिल गई है, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सिर्फ यही लग रहा है, जब तक अभी लड़की मेरे हाथ में नहीं आती तब तक मेरे को कोई सुकून नहीं है। जब मेरे हाथ में, मेरे कस्टडी में अब लड़की आ जाएंगी तब मेरे दिल को सुकून लगेगा। इस बीच अभी आप बेटी से मुलाकात हुई आपकी? तो मैं अभी अपनी बेटी को देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब दिल मेरा थोड़ा बहुत हल्का हुआ अभी। देखें, पिछले 5 महीनों से आप बेटी के लिए दर बदर पुलिस स्टेशन में भटक रही थी, क्या कारण था पुलिस के तब के रवैये में और अब के रवैये में जब आपकी बेटी मिल गई है? पुलिस वालों का रवैया यही था मेरा
कि हम हमेशा पुलिस स्टेशन आते थे, पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते काटते हमारे 5 महीना हो गया, कोई पता नहीं, हम लोग बताने के बावजूद भी पुलिस वाले हमारे ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद में जब हम लोगों ने मीडिया से मीडिया वाले को बताया तो 5 महीने का काम 5 दिन में हो, 5 दिन के अंदर हो गया। आखिर आपकी अब लड़की मिल चुकी है, अब क्या करेंगी लड़की आने पर, क्या शासन प्रशासन से या लड़की के साथ क्या करना है? सुनने में आया कि आपने घर का कुछ सामान भी बेच दिया है, क्या कैसी दिक्कत रही आप? सर मेरी दिक्कत तो बहुत बुरी है, दुश्मन को भी ऐसी नसीब नहीं हो जैसे मेरे साथ में हुआ है, वैसा किसी बहन के साथ में मत हो, जैसे मेरे साथ में गुजरा है वैसा किसी के साथ में मत हो। मैं तो इतने दिन काटी हूँ, इतनी तकलीफ काटी हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरा दिल जानता है। आज मैं बस, आज मेरी लड़की मिल गई, मैं घर का सामान बेच दी, पूरा पलंग वलंग जितने सामान है घर का बेच बेच के मैंने इधर अपने लड़की के ढूंढने में पैसे लगाए, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिली। खाली दौड़ धूप करती थी सामान बेच बेच के तो भी मेरे को नहीं मिली। हाँ आज मेरी लड़की मेरे को मिल गई है तो मैं और जो सामान है मैं बेच भांज के मैं अपने गांव जा रही हूँ, और लड़का बदमाश है, मेरे को लड़के से डर है, इसीलिए मैं नागपुर छोड़ के जा रही हूँ। फाइनली इतने दिनों बाद मनीषा मिली हुई है, घर में आप लोग काफ़ी परेशान थे बच्ची को ढूंढने के लिए, किस प्रकार आप पुलिस ने आपके साथ रवैया अपनाया था इसके बारे में बताएं। जब गुम हुई तो रात को हमने MIDC आके 12 बजे कंप्लेंट दर्ज की थी, 12 बजे पुलिस आई थी हमारे साथ वहाँ, जिस दिन मतलब वो लड़का लेके भगा था उस रात को हम लोग 12 बजे कंप्लेंट लिए गए, हमारी 12 बजे गए, पर उसी दिन उनको ढूंढना था पर उस दिन ढूंढे नहीं थे। 5 महीना हो गया, फिर कल ढूंढ रहे हम लोग, परसों आओ कल आओ परसों आओ, ऐसे करते करते 5 महीना निकल गया। 5 महीने के बाद में जब ये न्यूज़ में हमने कल ये किए थे तो 5 महीने का काम 5 घंटे में हो गया। मीडिया ने ये खबर चलाई लगभग 3 महीने से, हम लोग आपके पास आ रहे थे, केसरी उजाला ने आपके घर पर कई बार दस्तक दी और आपको सहयोग किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो केसरी उजाला का मैं तो अभी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारी लड़की मिल चुकी है। बस अब फाइनली लड़की आ रही है, क्या घर में सब कैसा रवैया रहेगा और किसको लेकर परिवार, आपने कई सामान बेच दिया है घर का, क्यों, क्या कारण रहा कि घर का सामान आपको बेचना पड़ा? घर का सामान बेचने का कारण यही है, पुलिस के पीछे हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो गए थे तो हमको सामान बेच के ही हमको खुद लड़की को ढूंढना पड़ रहा था। हम कभी पता चलता था तो उधर जाते थे, कभी बोलते कोई उधर है तो हम लोग उधर जाते थे, यही इधर उधर करने में घर का सामान बेचा गया है। अभी जो कुछ है बाकी वो बेच के हम लोग गांव चले जाएंगे लड़की को लेकर। आप देख सकते हैं एक ममतामयी माँ की चेहरे पर खुशी, एक उनके साथ उनके देवर है उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही है, बट कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र को ये लोग, इन पुलिसिया तंत्र की भी शिकायत कर रहे हैं कि 5 महीने के बाद आखिरकार हमको हमारा सामान बेचने के बाद आज हमारी बच्ची हमें वापस मिल गई है, और सरकार से भी गुहार लगाए हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की घटना न हो। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला। आरोपी पुलिस की नाक के नीचे अवैध धंधे करता रहा। आरोपी आकाश सहारे का परिसर में आना जाना था, उसके बावजूद पुलिस ने आरोपी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बांके उर्फ आकाश सहारे परिसर में अवैध दारू का भी काम करता है, कई बार शिकायत करने पर भी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ दिनों पहले ही इस विषय पर जब हमारे संवाददाता ने MIDC थाना अंतर्गत छानबीन कर रहे अधिकारी रमेश हत्तीगोटे से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। उसके पश्चात Zone 1 के DCP नूरुल हसन से चर्चा की तो नूरुल हसन ने MIDC पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा परिवार को न्याय दिया जाएगा, किंतु कहीं ना कहीं MIDC पुलिस अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा। हाल ही में शहर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। सवाल यही उठता है कि एक माँ की पुकार 5 माह बाद क्यों सुनी गई? निर्भया कांड, हाथरस की घटना, कठुआ रेप की तरह पुलिस का अमानवीय व्यवहार सामने आ रहा है।
एक तरफ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख नागपुर सिटी को अपराध मुक्त करने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते दुष्कर्म, अपहरण, हत्या, यौन शोषण, छेड़छाड़ की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने आपलं काम केलेलं आहे आणि यांनी खूप उशिरा चाइल्डलाइनला मदत मागितली आहे, त्यामुळे पोलिसांचा रोल त्यांनी का बरं उशीर केला आहे त्यांनाच आपण विचारू शकतो। आता मुलीचं बयान सुरू आहे, बयान झाल्यावर जे तपास अधिकारी आहेत किंवा इथले जे PI सर आहेत त्यांच्याशी आम्ही आता बोलू, कारण ते सध्या अवेलेबल नाही आहे, आणि त्यानंतर मुलीचं बयान झाल्यावर मुलीशी पण आम्ही बोलू आणि मुलीला काउन्सिलिंग करू आणि त्यानंतर तिला काय इच्छा आहे, मुलीची काय इच्छा आहे, जर तिला घरी जायचं असेल परत तर आम्ही तिला पोलिसांच्या माध्यमातून CWC माध्यमातून तिला हँडओव्हर करता येईल, आणि जर तिला घरी जायचं नसेल तर तिची व्यवस्था आम्ही बालगृहामध्ये करू।